नमस्कार मित्रों, हमारे फोर जोन थेरेपी और 31 मैजिकल पॉइंट के इस वर्कशॉप में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हम इस वर्कशॉप में सबसे पहले देखेंगे फोर जोन थेरेपी। क्या है फोर जोन थेरेपी, उसको हम समझेंगे। फोर जोन थेरेपी, जैसा कि नाम है, फोर जोन मतलब चार जोन में ये डिवाइड है। तो इसको हम सबसे पहले हम एक हाथ को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हम एक बॉडी को भी ड्रॉ करेंगे जिसमें होगा हेड, नेक, एंड एब्डोमेन। फोर जोन थेरेपी में चार जोन के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, चार जोन के हिसाब से। और इसमें हैंड एंड लेग का ट्रीटमेंट, आर्म्स एंड लेग का ट्रीटमेंट अलग से होगा। इसमें ये हमारा डायफॉर्म होगा, डायफॉर्म लाइन ऊपर का। यहाँ पर अगर हम बिंदु देखेंगे तो ये होगा वर्टेक्स, और इसको पैरेलल जब हम इसको आधा आधा जब जोड़ देंगे तो एंडिंग पॉइंट जो होगा वह होगा एनस। इसको जब हम राइट साइड से जब जोड़ेंगे हम इसको राइट साइड से जब जोड़ेंगे ये साइड, तो ये राइट वर्टिकल लाइन होगी, राइट वर्टिकल लाइन होगी। और इसी को हम जब लेफ्ट से जोड़ेंगे तो यह लेफ्ट वर्टिकल लाइन होगी। और ये जो होगा ये फ्रंट साइड है, तो ये है फ्रंट वर्टिकल लाइन होगी। अभी ये जो स्टोरी है वह फ्रंट की है, और यह जो हैंड है यह लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इन साइड मतलब अंदर का साइड। तो यह जो है वह लेफ्ट हैंड इस तरीके से है यह, और ये जो बॉडी है यह फ्रंटल बॉडी है, जब भी हमें इस बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसको हम चार साइड में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट वर्टिकल लाइन, लेफ्ट वर्टिकल लाइन, फ्रंट वर्टिकल लाइन, राइट वर्टिकल लाइन, लेफ्ट वर्टिकल लाइन, एंड एक होगी इसकी बैक वर्टिकल लाइन, उसको हम दूसरे उसको बाद में इसमें देखते हैं। तो इसमें भी जो है वह होगा, ये जो पॉइंट है आप जानते हैं यह बिंदु एनस का होगा, और यह बिंदु जो होगा वर्टेक्स का होगा, और यह जो पॉइंट होगा वह होगा एनस का, तो यह वर्टेक्स होगा। जबकि ये जो हाथ है ऐसा है, तो ये जो साइड होगी इसकी यहां से ये जो
साइड बनेगा। ये स्टोरी जो है यह फ्रंट बॉडी की है विदाउट आर्म्स एंड लेग की। तो ये जो लाइन है यह है लेफ्ट वर्टिकल लाइन और नेक्स्ट जो है इस साइड से जो है यह है राइट वर्टिकल लाइन। अब इसका जो बीच का जो पार्ट है आपने आराम से समझना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। ये पूरा जो डिवाइडेशन है यह लेफ्ट और राइट में और फ्रंट और बैक में हो चुका है। ये जो लाइन है यह है फ्रंट वर्टिकल लाइन। हमारे पास इस बॉडी में जो लेफ्ट आईज है वो लेफ्ट साइड में आ गई, राइट साइड में आ गई, बैक साइड में आ गई। साथ ही साथ डायफ्राम के ऊपर जो पार्ट है वो एक अलग पार्ट है और डायफ्राम के नीचे जो एक पार्ट है वह एक अलग पार्ट है। जब हम यहाँ पर हमारा एक लाइन दे रहे हैं, ये एक लाइन दे रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं यहाँ पर कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा एनस पॉइंट है और ये मेरा वर्टेक्स पॉइंट है। ये जो लाइन है जब आप हाथ को ऐसे करेंगे तो एक बिंदु यहाँ करना है, एक बिंदु यहाँ करना है, इसको जोड़ देना है। तो ये लाइन है और ये हमारा फ्रंट वर्टिकल लाइन और यहाँ से साइड से जो है वह है हमारा लेफ्ट वर्टिकल लाइन और राइट वर्टिकल लाइन। इस तरीके से आपने हाथ को और बॉडी को 4 साइज में हमने इसको देखा है। हम इसको एक जो है इसका बैक साइड बनाते हैं। अब क्या बन जाएंगे बैक साइड में, नेल बन जाएंगे। यहां पे ये जो बिंदु होगा ये होगा वर्टेक्स और ये जो बिंदु होगा ये होगा एनस। तो ये जो लाइन होगी ये होगी फ्रंट बैक वर्टिकल लाइन और बॉडी जो है यह बैक साइड आ जाएगा बॉडी का, ये नेक का आ जाएगा। जब हम इसको इस तरीके से, पहले हमारा हाथ ऐसा था अब ये हाथ ऐसा हो गया, तो ये जो साइड है वह साइड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा और लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट साइड। ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा, ये हमारा एनस पॉइंट होगा। हमारा बॉडी यहां पर भी 4 भागों में डिवाइड होगा। ये जो लाइन होगी ये लेफ्ट वर्टिकल लाइन होगी और इधर से जो जाएगी वह राइट वर्टिकल लाइन होगी। जैसा कि यहां पर जो ये जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन को हम जब जोड़ेंगे तो यह लाइन हमारे इस एरिया से गुजरेंगी, है ना, इस एरिया से। तो यहां पर भी एक लाइन होगी जो कि इस लाइन को पैरेलल होगी। अब
ट्रीटमेंट जो है इसका, बॉडी का ट्रीटमेंट जो करना है वो हमें इस तरीके से करना होगा कि लेफ्ट साइड में जितने भी ऑर्गन है, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ले यहाँ पर जो है ये राइट वर्टिकल लाइन होगी और ये लेफ्ट वर्टिकल लाइन बैक साइड से, लेफ्ट आईज, लेफ्ट साइड का नोज, लेफ्ट साइड का ईयर, लेफ्ट साइड का स्कैपुला एरिया और ये डायफ्राम तक, अगर डायफ्राम तक कोई भी प्रॉब्लम अगर है, बार में डायफ्राम तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारा फर्स्ट जो जोन है उसमें करेंगे, यहाँ पर नेल के पॉइंट पर। और कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, इसका एक बार मैग्नेट होता है जो कि लंबा होता है, बार मैग्नेट बोलते हैं इसको, इसका जो फ्लो है वह वाइट टू येलो होता है, यहाँ पर अगर हम फ्लो की अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्रंटल साइड बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो होता है एनस एनस टू वर्टेक्स, इसका एनर्जी का फ्लो एनस टू वर्टेक्स होता है। और बैक साइड में अगर बात करें तो वर्टेक्स टू एनस होता है इसका एनर्जी का फ्लो। साथ ही साथ हम अगर फ्रंट वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये फोर्स ऐसा होगा, और अगर हम राइट वर्टिकल लाइन और लेफ्ट वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो इनका फ्लो ऐसे ही होगा। फ्रंट साइड में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपका जो बार मैग्नेट ट्रीटमेंट का तरीका जो होगा वह होगा बार मैग्नेट से। ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो ट्रीटमेंट एरिया जो होंगे वह कौन से होंगे, अब मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट लगेगा, यहाँ पर एक मैग्नेट लगेगा, एक यहाँ लगेगा, मतलब तीन, और एक जो है वह इसके बैक साइड में यहाँ पर लगेगा। तो ये हमारा फोर जोन हो गया अपर बॉडी के लिए। ये जो स्टोरी है यह डायफ्राम के ऊपर की स्टोरी शुरू है, डायफ्राम के नीचे का हम बाद में करेंगे। पहले करते हैं कि अगर इतने बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट जो है वह या तो राइट वर्टिकल लाइन में होगा, या तो लेफ्ट वर्टिकल लाइन में होगा, या तो फ्रंट में होगा। तो हमारे पास तीन एरिया है और ट्रीटमेंट करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल होगा। जैसा कि आप यह हैंड देख रहे हैं, इसमें अगर ये जो लाइन है, ये जो साइड है, यह राइट वर्टिकल लाइन है और यह लेफ्ट वर्टिकल है, यह लेफ्ट है और यह राइट है, और यह जो है वह फ्रंट है, ये फ्रंटल एरिया हो गया पूरा। यहाँ पर ट्रीटमेंट करते समय हमें मैग्नेट का जो यूज़ करना है, या तो हम मैग्नेट का यूज़ यहाँ करेंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, या तो मैग्नेट का यूज़ यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। मतलब अगर इस फ्रंटल बॉडी में राइट साइड अगर प्रॉब्लम है, राइट साइड अगर प्रॉब्लम है, राइट ईयर में प्रॉब्लम है, राइट आईज में प्रॉब्लम है, या राइट स्कैपुला कंधे के एरिया में अगर प्रॉब्लम है, तो ये जो मैग्नेट है वो यहाँ लगेगा, इस तरीके से लगेगा। अगर
फ्रंट में हमारे नोज में प्रॉब्लम है, हमारे को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, हमारे इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे को सर्दी हो रही है, हमारे को खांसी हो रही है, तो ये मैग्नेट यहाँ लगेगा। और हमारे लेफ्ट शोल्डर में तकलीफ हो रही है या लेफ्ट साइड में अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो ये मैग्नेट यहाँ लगेगा। मतलब अगर हम हमारे किसी भी बॉडी के लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मैग्नेट इस तरीके से चेंज होगा। उसी तरीके से अगर हमारे एब्डोमिन के नीचे, जैसा कि हमने ये लाइन देखी है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो है या तो लेफ्ट साइड में अगर तकलीफ होगी तो यहाँ मैग्नेट लगेगा, राइट साइड में तकलीफ होगी तो यहाँ मैग्नेट लगेगा, और सेंटर पॉइंट में अगर तकलीफ होगी, एब्डोमिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पर मैग्नेट लगेगा। तो यह इस तरीके से हमको ये छेद ऊपर के चार, ऊपर शोल्डर में चार जगह पे लगेगा, फ्रंटल में तीन और एक इसका बैक साइड, यहाँ पर भी जो है वह फ्रंटल में यहाँ लगेगा और इसका एक बैक साइड में लगेगा। उसी तरीके से अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है हमारे, तो स्पाइन में भी जो है हमारे डायफ्राम तक, जो लोग सुजोग जानते हैं उन्हें पता है कि डायफ्राम तक जो एरिया होता है वह एरिया हमारे T8 तक का एरिया होता है, मतलब थोरैसिक के 8 तक का एरिया होता है, तो थोरैसिक 8 तक अगर प्रॉब्लम है तो मैग्नेट यहाँ लगेगा, और थोरैसिक 9 से लेके, तो थोरैसिक के 9, 10, 11, 12 और लंबर का 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4 और लंबर 5, इसका जो मैग्नेट है वो लगेगा यहाँ पर। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको टेप के माध्यम से यहाँ पर लगा देंगे, लगाने के बाद इसका जो फोर्स है वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो लगाने के एक मिनट इंतज़ार करेंगे हम, और एक मिनट में अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है, जैसे भाई मुझे चक्कर आ रहा है या मेरा पेन बढ़ गया है या इचिंग अगर हो रहा था उस एरिया में तो इचिंग बढ़ गया है या कुछ भी चीज़ अगर बढ़ गई है, तो हम इस मैग्नेट को उठाकर इसका डायरेक्शन जो है वह चेंज कर देंगे और यहाँ फिर से लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि यह अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर देखा है इस चार्ट के माध्यम से, और ये बार मैग्नेट। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो क्या करेंगे, तो कोई भी चीज, एक माचिस लग लो और टेप दो, कोई भी चीज जिसको दो कॉर्नर होते हैं, कोई भी चीज जिसको दो कॉर्नर होते हैं वह चीज मेरिडियन का काम करेंगी। जैसे आपके पास माचिस की लकड़ी है, जैसे आपके पास किसी झाड़ की लकड़ी है, उसको भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और वह मैग्नेट से ज़्यादा काम करेगी। अब जैसे ये लकड़ी है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसका येलो साइड कहाँ पे है और इसका वाइट साइड कहाँ पे है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको यहाँ पर लगाया और चेक किया कि हमारी तकलीफ़ बढ़ी या कम हुई, तो हमको पता चला कि तकलीफ़ बढ़ी तो हमने इसका डायरेक्शन उठा के चेंज कर दिया और उसको हमने एक सेलो टेप के माध्यम से उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। अब कितने समय लगाना है, 4 घंटे के लिए, और तकलीफ अगर क्रॉनिक है तो इसको आप कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। कमर के लिए, जैसे अगर मेरा राइट ईयर में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, या राइट शोल्डर में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, लेफ्ट शोल्डर में अगर हो रहा है तो मैं यहाँ लगाऊंगा। कंडीशन वही होगी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि तकलीफ बढ़ी तो नहीं है, अगर बढ़ी है तो आपको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ी है तो इसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का हम जो पार्ट है हमारा, यह हमारे बॉडी के लिए है। नेक्स्ट में हम हमारे हैंड एंड लेग का ट्रीटमेंट देखेंगे। मैं आपको इसका इमेज भिजवा देता हूँ।
तो आपको और आसानी हो जाएगी। धन्यवाद। कोई भी अगर आपको दिक्कत है इसमें समझने में तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, फ़ोन करें, या हम उसको वीडियो कॉल पे भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।